रायगढ़ में आलमी तबलीगी इज्तमा का पहला मरहला इख्तिताम पज़ीर, लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत। मौलाना इब्राहिम ने इख्तितामी दुआ कराई। मुल्की तरक्की, खुशहाली, अमन सलामती और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। इज्तमा से लोगों की वापसी का सिलसिला शुरू। रायगढ़ की राबता सड़कें आम ट्रैफिक के लिए बंद। बांगा रोड, सुंदर रोड, कोर्ट राधा किशन रोड पर यकतरफा ट्रैफिक चलाई जाने लगी। सीटीओ लियाकत अली मलिक का रायगढ़ का दौरा, ट्रैफिक इंतजामात का जायजा लिया। हंगामी सूरतेहाल से निपटने की तरबियत, अरबों के फंड्स, जदीद असलहा सब नाकिस साबित। सब्जाजार में सड़क पर नीम पागल नौजवान को पकड़ने में डॉल्फिन एहलकारों की नाहली। छुरी लिए दौड़ने वाले उमेर का पीछा करते हुए फायर खोल दिया। सरेआम गोलियों की तड़तड़ाहट, दिल के करीब लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। लवाहिकीन का वाकये पर शदीद एहतजाज, इंसाफ की दुहाई। मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। सब्जाजार में डॉल्फिन एहलकारों की फायरिंग से नौजवान की हलाकत का मामला, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार ने नोटिस ले लिया। आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब, जाबहक शख्स के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाए। वाकये की हर पहलू से मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट पेश की जाए। जिम्मेदारों का तायुन करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, वजीर आला पंजाब की हिदायत। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली और हुकूमती वफ्द के मुज़ाकरात कामयाब। दाता दरबार के सामने धरना खत्म करने का ऐलान। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली कहते हैं, आसिया का नाम ECL में डालने की तजवीज कबूल कर ली। धरने की गिरफ्तार शुलका को रिहा किया जाए। संडे के रोज रिवायती नाश्ते के मजे, बोंग पाए, सिरी पाए, नान चने और कोफ्ते से तवाजो। देसी घी से तैयार हलवा पूरी भी खूब हाथ साफ किए।